हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके गौरव बटलर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन 9 और 10 आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड, वी आर स्टार्टिंग विद सम नंबर 9। क्या दिया हुआ है यहां पे? इफ tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2। क्या बोला है? tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, that prove that tan square theta plus 1 divided by tan square theta is equal to 2। अब यहां पे शुरुआत हम लोग इसी को लिख के यहां पे करेंगे, बट अब यहाँ पे ये स्क्वायर कैसे लाएंगे? हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है ऐसे कुछ, बराबर, बिना स्क्वायर के। और 1 upon tan theta तो हमारा cot theta होता है, बट कुछ हम लोगों का रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली अगले स्टेप में इसको स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कर देंगे। तो tan theta plus 1 upon tan theta the whole square is equal to the whole square। अब हम लोगों को यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों? तो a plus b the whole square का जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, a square plus 2ab plus b square, इसको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो tan square theta plus 2 into tan theta into 1 upon tan theta, बराबर, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, plus 1 upon tan square theta is equal to 4, ठीक है ना। तो अब अगले स्टेप में जाने से पहले ये tan theta हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो ऐसा लिख देंगे, tan square theta बराबर plus 2 plus 1 upon tan square theta, ये इतना लिखा और यहाँ पे equal to 4 डाल दिया। फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे क्या? तो अगले स्टेप में अब देखो, हम लोगों को टू प्रूफ में क्या चाहिए यहाँ पे, tan square theta plus 1 upon tan square theta, तो ये हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, ये 2 है यहाँ पे, यहाँ है 4, तो इसको अगर हम लोग ये तरफ ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और फिर ये भी इसकी तरह दिखने लगेगा। तो बेसिकली हमारा प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। तो अगले स्टेप में मुझे खाली अरेंज करना है इसको। तो tan square theta प्लस 1 upon tan square theta, देखो इतना मैंने बना दिया इसको। फिर अगले स्टेप में, मतलब अगला क्या करना है, 4 minus 2। तो अब देखो फाइनली जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ करके आपके सामने रख दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड सम नंबर 9 वेरी वेल। अब फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं सम नंबर 10th पे। तो सम नंबर 10th क्या है, जरा ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10a, यहाँ थीटा नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि हम लोगों का फॉर्मूला कुछ चेंज हो गया। a है तो a लिखो, थीटा रहता तो थीटा लिख देते, ठीक है। तो 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस cot a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a into cos a। हम लोगों को साइन ए इंटू कॉस ए लेके आना है। हम लोगों ने LHS पहले से ही यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो 10a, अब ये क्या होता है भाई हमारा, 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, sec स्क्वायर a लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर a द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू, cot के यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, cosec स्क्वायर a। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, cot a डिवाइडेड बाय
क्या करूंगा मैं यहाँ पे cos x square a the whole square। अब फ्रेंड्स हम लोग अगले स्टेप में, अगला स्टेप जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो स्टेप है उसमें हम लोगों को इसको अब सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे वो हम लोगों को अभी समझने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 10 तो मैं पहले सब लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 10a is equal to, ये कैसे बना है हमारा, sin a upon cos a, ठीक है, ये sec है, क्या है ये sec है, तो sec a is equal to क्या आता है 1 upon cos a, ठीक है, cosec का क्या आएगा, तो cosec a is equal to क्या आ जाएगा 1 upon sin a, और ये cot का क्या आता है हमारा, तो cot a is equal to cos a upon sin a। तो ये सब हम लोगों को यहाँ पर अभी पुट करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, sin a upon cos a, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 upon cos 4a, ये स्क्वायर है ना यहाँ पे 2 2, तो ये 4a हो जाएगा। फिर प्लस cot का क्या आएगा, तो इसका रिवर्स करना है, cos a upon sin a डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 1 upon sin raised to 4a। अब फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है जरा आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो जैसे हम लोगों का वो होता है, क्या होता है, a upon b upon c upon d, अगर ऐसा कुछ हम लोगों का है तब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो a into d करूंगा मैं और b into क्या करूंगा, c करूंगा। तो जैसे ये हमारा d है, हाँ, तो ये यहाँ पे आके into हो जाएगा बराबर, तो ये यहाँ पे sin a into cos raised to 4a divided by क्या हो जाएगा ये cos a, प्लस यहाँ पे भी क्या होएगा हम लोगों का cos a into sin raised to 4a divided by क्या होगा ये sin a, this sin a और इधर का ये और ये कट हो गया हमारा, हाँ हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे अभी कितना बचा है, ये 3 बचा है, यहाँ पे भी 3 बचा है। अब क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, तो हम लोग इसको अभी सिंपल वे में यहाँ पे मैं लिख करके रखता हूँ। तो साइन ए into क्या लिखा मैंने यहाँ पे, cos क्यूब a प्लस यहाँ पे क्या लिखा मैंने cos a into क्या लिखा मैंने sin क्यूब a बराबर। अब यहाँ पे से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन ए cos a को कॉमन निकाल लेंगे, क्या करूंगा मैं यहाँ पे साइन ए into cos a को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब देखो दोस्तों आपको ये सब पहले से ही पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे a आएगा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये स्टेप में मैं यहाँ पे ऐसा पुट कर सकता हूँ ना, कि नहीं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोगों को जो लाना था वो हम लोगों ने यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो therefore I can say that LHS is also equal to RHS. So friends, I hope that you have understand this sum very well. This both the sums very well. Sum number 10th हमारा ज़्यादा hard है नहीं, आपको basic पूरा पता होना चाहिए। यहाँ पे ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया a upon b divided by c upon d, तो इसको किस तरीके से करना है मैंने एक एक चीज यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, आप बार बार इसको rewind करके देख लीजिए, ठीक है, आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और ये सम है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। जय हिंद।